वेलकम 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 टू माई चैनल। आज हम लेके आए कुछ स्पेशल आइटम्स स्पेशली फॉर द किचन, स्पेशली बाय की गई हैं DIY स्टोर से। और देखें DIY स्टोर से हम आज क्या क्या लेके आए हैं। तो DIY स्टोर से हमेशा ही कुछ अमेजिंग अमेजिंग चीजें मिलती रहती हैं। ये DIY स्टोर लुधियाना में वेब मॉल के पास है, जहाँ से मैं लेके आई हूँ तो सेमी ऑटोमेटिक विस्क ब्लेंडर, जो कि स्टेनलेस स्टील का है, और ये सिर्फ और सिर्फ 167 की रेंज में या 200 की रेंज में आ जाता है, जिसे कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के आप यूज कर सकते हो जस्ट पुश करके। और इसी वजह से ये पोर्टेबल भी है, आप बाहर कहीं पे हैं तो इसे यूज कर सकते हैं। प्लस इसे क्लीन करना भी इजी है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर एक वायर स्ट्रक्चर का है, जो कि क्लीन करने में इजीली क्लीन हो जाता है उसमें, और कोई भी खाने वाली आइटम्स फंसती नहीं है। इसको क्लीन भी सेम मेथड से ही करना है। और आप चाहें तो लस्सी भी बना सकते हैं और उसे सर्व कर सकते हैं। आप चाहें एग को बीट कर सकते हैं, और अगर आप लस्सी बनाते हैं ना तो उसमें से मक्खन भी निकल आता है। इसके बाद हमने यहाँ पे लस्सी तो बना ली है, लेकिन इसको सर्व करते टाइम हम लोगों को स्ट्रॉ की जरूरत पड़ेगी। तो DIY से मैं स्ट्रॉ का एक पैकेट लेके आई हूँ, जिसमें कि अलग अलग साइज के स्ट्रॉ आए हुए हैं, जो कि 180 प्लस 200 की रेंज में अवेलेबल है। और यहाँ पे मैंने इसे 180 का बाय करा है। तो यहाँ पे तीन तरह के स्ट्रॉ हैं, प्लस उसके साथ एक ब्रश दिया गया है जो उसको क्लीन करने में हेल्प कर सकता है। अगर बाय चांस स्ट्रॉ में कुछ फंस जाता है तो इस ब्रश की हेल्प से आप उसे क्लीन कर सकते हो। ये ब्रश जो अप्रॉक्सीमेटली इन्हीं की सेम लेंथ का है, और दोनों साइड से आप यूज करेंगे तो आपके स्ट्रॉ का हर एक पोर्शन जो है क्लीन हो जाएगा। ऑनलाइन और भी डिफरेंट टाइप के स्ट्रॉ हैं, लेकिन जब कोई बेंड स्ट्रॉ में लेती थी तो मुझे स्ट्रेट स्ट्रॉ नहीं मिलता था, और जब स्ट्रॉ दोनों ही मिल जाते थे तो ब्रश अवेलेबल नहीं हो पाता था। तो मीन्स कॉम्बिनेशन ये मेरे को बेस्ट लगा अपने लिए, आप अपने अकॉर्डिंग बाय कर सकते हैं। तो रीयूजेबल स्टेनलेस स्टील स्ट्रॉ के बाद बारी आती है फूड कवर नेट किचन अम्ब्रेला की, जो कि देखने में तो बहुत क्यूट है, लेकिन साथ में ही इनका काम बहुत इम्पोर्टेंट है किचन में, क्योंकि ये फूड कवर्स हैं और फूड को कवर करने में काम आते हैं। स्पेशली जब आपने डाइनिंग टेबल पे कोई खाना रखना है और आपने मिनटों में आके वो खाना खाना है, प्लस गर्मियों में जब मक्खी मच्छर बहुत ज़्यादा आता है या छिपकली वगैरह किचन में घूमती रहती है, जिसे आप निकालना भी चाहो तब भी निकलती नहीं है, तो उस टाइम पे ये आइटम आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाती है। लेकिन इस अम्ब्रेले का एक्सटेंडेड साइज है, आप देख सकते हैं जो बड़ी प्लेट है सर्विंग प्लेट उसमें ये फिट नहीं बैठता, खाने वाली प्लेट या बोल में ये फिट बैठ जाता है। साथ में ही इसे ओपन करना बहुत इजी है, जस्ट ड्रॉ स्ट्रिंग को आप पुल कीजिए ये ओपन हो जाएगा, और जब आप नॉब को प्रेस कर देते हैं ये बंद हो जाएगा। तो इसके बाद DIY स्टोर से मैंने बाय करा है ये स्पून सेट, जो कि 3 स्पून सेट एक पैकेट में आए हैं, जो कि मात्र 143 की रेंज में अवेलेबल है। ये जो स्पून सेट है इसमें एक स्पेशल बात है कि ये सूप स्पून सेट जो है एक स्ट्रॉ के साथ आए हैं, बैक साइड से स्ट्रॉ है, तो ये स्टेनलेस स्टील का स्ट्रॉ प्लस सूप 2-in-1 काम कर रहा है। इसे आप सूप के साथ साथ आइसक्रीम वगैरह के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं लेके आई हूँ स्टेनलेस स्टील का कटलरी सेट बॉक्स, जिसमें कि मुझे 3 कटलरी सेट अवेलेबल हैं, स्पून नाइफ और चॉपस्टिक्स, जो मुझे पड़ा है मात्र 97 रुपीज में। तो फर्दर मैं इस DIY कटलरी सेट को DIY करना चाहती थी, मैं चाहती थी जो मैंने स्पून और स्ट्रॉ खरीदे हैं वो इसमें फिट बैठ जाए, लेकिन वो फिट नहीं बैठ पाए। वैसे ऑनलाइन जो कटलरी सेट और भी अवेलेबल होते हैं, जिसमें स्ट्रॉ ब्रश सब कुछ अवेलेबल होता है, लेकिन उसकी रेंज हाई है, जैसे 500-600 की रेंज में वो अवेलेबल होते हैं, आप चाहे तो वो बाय कर सकते हैं, या सिंपली आप मेरी तरह DIY भी कर सकते हैं। आइडिया तो अच्छा ही है। तो नेक्स्ट हम लेके आए हैं मल्टी फंक्शनल पीलर, जो कि स्टेनलेस स्टील का ही बना हुआ है, और इसमें 4 तरह के फंक्शंस अवेलेबल हैं। तो फर्स्ट फंक्शन आता है इसका शार्प ब्लेड, जो कि इजी स्ट्रेट पील करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ। पील करने के साथ साथ इसी ब्लेड से आप कटिंग वाला काम भी कर सकते हो, इससे स्लाइसेस भी इजीली हो रहे हैं। तो इस पीलर से मैं पीलिंग वाला काम तो कर ही रही हूँ, प्लस नाइफ का काम भी कर रही हूँ, मीन्स ये मेरे 2 कामों में यूज हो रहा है, प्लस ये मजबूत तो है ही है। सेकंड आता है सीरेटेड वाली साइड, जिसको कि आप किसी वेजीज को जस्ट क्रिएट करने में यूज कर सकते हो, जैसे कि आपको कैरेट या फिश के स्केल्स उतारने हो, उस टाइम पे ये सीरेटेड वाली साइड यूज होती है इस पीलर की। थर्ड है इसका टेपर डिजाइन, मीन्स कि जो इसका पॉइंटेड एंड है नाइफ का, वो यूज होता है पोटैटो के आई को रिमूव करने में, या प्याज के इस तरह के हार्ड पोर्शन को रिमूव करने में।
और अब लास्ट फंक्शन आता है कैन ओपनर का, जो इसके साथ इसके डिजाइन में इनबिल्ट है, जिसकी हेल्प से हम किसी भी बोतल के कैन को ओपन कर सकते हैं। एंड लास्टली जब आप इस मल्टी फंक्शनल पीलर को बाइक करते हैं तो इसके ऊपर केयर एंड वार्निंग दे रखी है। केयर में दे रखा है कि आप इसे वॉश करें और ड्राई ही रखें, पानी में ज्यादा टाइम तक सोप ना करके रखें, ये इसकी ड्यूरेबिलिटी को खराब कर सकता है या कम कर सकता है। सेकेंड, ब्लेड शार्प है तो बच्चों से और अपने आप को इससे बचा के रखें। तो इस तरह की अमेजिंग आइटम आप DIY स्टोर से बाय कर सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बी हैप्पी।